हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जो एक महान भारतीय देशभक्त और क्रांतिकारी थे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी का लोकप्रिय नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था, और उनका स्वर्गवास 18 अगस्त 1945 को ताइपेई ताइवान में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन सफर। भारत के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति तब नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों नेताओं के समकक्ष साधिकार बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाला हो। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने करीब करीब पूरे यूरोप में अलग जगाया। बोस प्रकृति से साधु, ईश्वर भक्त तथा तन एवं मन से देशभक्त थे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह को नेपोलियन की पेरिस यात्रा की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस का एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसका मार्ग कभी भी स्वार्थों ने नहीं रोका, जिसके पाव लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे, जिसने जो भी स्वप्न देखे उन्हें साधा। नेताजी में सच्चाई के सामने खड़े होने की अद्भुत क्षमता थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने 5 वर्षों के आयु में अंग्रेजी का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। युवावस्था इन्हें राष्ट्र सेवा में खींच लाई। गांधी जी से मतभेद होने के कारण वे कांग्रेस से अलग हो गए और ब्रिटिश जेल से भागकर जापान पहुंच गए। बोस ने जापानियों के प्रभाव और सहायता से दक्षिण पूर्वी एशिया से जापान दोबारा एकत्रित करीब 40,000 भारतीय पुरुष, स्त्री पुरुष की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू कर दिया। नेताजी के नाम से विख्यात सुभाष चंद्र बोस ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस संगठन का वह गीत था जिसे गुनगुनाकर संगठन के सेनानी जोश और उत्साह से भर उठते थे, और जापानी सैनिकों के साथ उनकी तथाकथित आज़ाद हिंद फौज रंगून अब यागून से होती हुई थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ती। 18 मार्च 1944 की कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई। जापानी वायुसेना से सहायता न मिलने के कारण एक भीषण लड़ाई में भारतीयों और जापानियों की मिलीजुली सेना हार गई और उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन आज़ाद हिंद फौज कुछ अरसे तक बर्मा और बाद में हिंद चीन में अड्डों वाली मुक्ति वाहिनी सेना के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने में सफल रहे। इसी सेना ने 1943 से 1945 तक शक्तिशाली अंग्रेजों से युद्ध किया तथा उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देने के विषय में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सन 1943 से 1945 तक आज़ाद हिंद सेना अंग्रेजों से युद्ध करती रही। अनंत ब्रिटिश सरकार को उन्होंने महसूस करा दिया कि भारत को स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। दुर्घटना और मृत्यु की खबर। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदेई पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो कैरेकोंजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 21 बजे हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किए। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए, लेकिन जिस ताइवान की भूमि पर यह दुर्घटना होने की खबर थी, उस ताइवान देश की सरकार से इन दोनों आयोगों ने कोई बात ही नहीं की।
1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि का कोई हवाई जहाज दुर्घटना हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उन आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रमाणिकता संदिग्ध थी। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर दी। दोस्तों, अगर आपको इनसे रिलेटेड हमसे कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।